सब्सक्राइब कीजिए हैशटैग हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह ममता को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के खिलाफ नहीं है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल तक शासन किया, सिर्फ पुरुषों को ही प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। देवेगौड़ा ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस एक अहम भूमिका निभाएगी। देवेगौड़ा ने 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया था। वही शनिवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह 2-3 साल से लगातार कह रहे हैं कि 2019 में पीएम पद खाली नहीं है, कांग्रेस और विपक्षी इसके लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन यह कड़ी मेहनत 2024 के लिए करें, 2019 में कोई संभावना नहीं है। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इशारों में ही जेडीयू, एलजेपी और आरएलएसपी को महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू एलजेपी जैसी पार्टियां अगर बीजेपी के साथ बनी रहती है तो इनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिछड़े वर्गों में नाराजगी है। गोहिल ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारे के लिए मुख्य मानदंड जीतने की क्षमता रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।